गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है वो आपने नोट डाउन किया होगा अपनी नोटबुक में और उसे समझने और याद करने की कोशिश भी की होगी। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, परिवार की विशेषताएं। आपने देखा होगा जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्या है, सभी जगह क्या है, परिवार पाया जाता है और परिवार क्या है, एक विश्वव्यापी संस्था है। आप और जो इसकी हाँ ऐसा हो सकता है कि इसकी संरचना एवं स्वरूप क्या है भिन्न भिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी परिवार में सदस्य कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, तो क्या है कई तरीके से क्या है ये भिन्न भिन्न इनमें क्या है परिवारों में भिन्नता पाई जा सकती है। अब बात करते हैं परिवार में क्या है, जितने भी व्यक्ति सदस्य रहते हैं वो क्या है अपनी इच्छाओं को स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं पूरा करते हैं और क्या है प्रेम और क्या है प्रेम दया करुणा सौहार्द्र इनके साथ क्या है मिलजुल कर क्या है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से परिवार की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो आज हम क्या है परिवार की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है परिवार की वो क्या है सार्वभौमिकता। परिवार है वो क्या है सार्वभौमिक है, यानी अभी बताया था कि क्या है ये एक विश्वव्यापी संस्था है, सार्वभौमिक संस्था है। यह है क्या है हर समाज हर देश हर काल व हर समय में देखने को मिलता है, यानी परिवार हर जगह देखने को मिलता है। मानव समाज के इतिहास के प्रारंभ से ही क्या है परिवार चलता आ रहा है और जब तक इंसान रहेगा तब तक क्या है परिवार क्या है चलता रहेगा। व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य बन जाता है और मृत्यु पर्यंत यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक क्या है वो परिवार का सदस्य ही बनकर रहता है। संपूर्ण विश्व में परिवार की तरह ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो क्या है जिसमें क्या है प्रेम और अपने जो अपनेपन की जो फीलिंग आती है वो परिवार से ही मिलती है। तो परिवार जैसा संस्था है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसे क्या है इसको क्या है सार्वभौमिकता का दावा किया जाता है। अब बात करते हैं सीमित आकार की। जो परिवार का जो आकार होता है वो क्या होता है सीमित होता है। परिवार है वो क्या है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है दो प्रकार परिवार के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं, पिछली क्लास में बताया था। पहला एक होता है एकांगी परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार। एकांगी परिवार में क्या होता है माता पिता और उनकी जो संतान होती है वो होते हैं। तो इसमें क्या है लगभग चार इसमें क्या लगभग चार लोग रहते हैं, तीन चार या पांच। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है माता पिता उनकी संतान दादा दादी चाचा चाची भाई भतीजा ये सभी क्या है और जो अविवाहित बच्चे होते हैं पुत्र पुत्रियां होती हैं वो क्या है संयुक्त परिवार के अंदर रहते हैं। और क्या है इसमें लगभग क्या है 20 से 25 तक की संख्या जो सदस्यों की संख्या है वो 20 से 25 हो सकती है, इसमें इससे अधिक नहीं होती है। अब आती है बात क्योंकि परिवार में क्या है हम क्या है विवाह बंधन में बंधे होते हैं और क्या है उसमें जो
संबंध। आप जैसे जानते हैं परिवार के साथ हम क्या है, भावनाओं के साथ हम परिवार के साथ जुड़े होते हैं। परिवार के सदस्य आपस में विवाह, गोद लेना या खून के रिश्तों से क्या है, मजबूती से बंधे होते हैं। अतः उसी लिए इनमें क्या है, आपस में भावनात्मक संबंध होगा। आपने देखा होगा जैसा हम अपने परिवार के साथ महसूस करते हैं, अपने अपनेपन की जो फीलिंग आती है वो परिवार के साथ ही आती है। बाकी आप दूसरे किसी से मिलते हैं तो क्या है, आप में वह जो भावना है वो जागृत नहीं होती है। एक छोटे बच्चे को देखो, जब वह रोता है और उसकी माँ जब उसे गले से लगा लेती है तो वह क्या चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे अपनेपन का जो भाव है वो कहाँ से मिला, अपनेपन की जो फीलिंग आई वो कहाँ से मिले, अपनी माता से मिली। इसलिए क्या है, जो परिवार है वो क्या है, भावनाओं के साथ क्या है, बंधा होता है। परिवार के सदस्य में आपसे क्या होता है, लगाव, सहानुभूति, सेवा भाव होता है। यदि परिवार में भावनात्मक संबंध ना हो तो वो क्या है, जल्दी ही टूट जाते हैं। और क्या है, विश्वास, प्रेम, स्नेह एक ऐसी डोर है जो हम सभी को क्या है, परिवार के साथ बांधे रखती है। हम कहीं दूर चले जाए तब भी क्या है, हम कोई भी कारण हो हम खींचे चले आते हैं, कोई भी पर्व हो हम इकट्ठे साथ में मिलकर मनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों का पालन क्या है, बड़े लाड़ प्यार से जी जान लगाकर करते हैं। बालकों में प्यार, स्नेह, सुरक्षा क्या है, बढ़ जाती है। और क्या है, उनमें ये गुण सारे डाले जाते हैं बच्चों में। माता पिता के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है कि सेवा, त्याग, बलिदान की भावना माता पिता के द्वारा सिखाई जाती है। और क्या है, बच्चे बड़े होकर वही क्या है, अपने माता पिता की, अपने से बड़ों की क्या है, सेवा करते हैं। और जो अपने से छोटे होते हैं उनके साथ क्या है, प्रेम के साथ रहते हैं। जैसे भाई बहन है वो क्या है, प्रेम के साथ अपने इकट्ठे खेलते हैं। तो ये भी क्या है, हम आपस में भावनात्मक संबंधों से घिरे हुए होते हैं। अब बात करते हैं रचनात्मक प्रभाव की। रचनात्मक प्रभाव के अंतर्गत आता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने परिवार में क्या है, किससे जुड़ा होता है, उनके क्या अलग क्या होते हैं, धर्म, संस्कृति, मूल्य, लक्ष्य, जीवन दर्शन, वो क्या है, अलग अलग होते हैं। सभी परिवार के लक्ष्य है वो अलग होते हैं, धर्म होता है वो अलग होते हैं, रीति रिवाज होते हैं वो क्या है, अलग होते हैं। और यही क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि परिवार के संस्कार, चरित्र उत्तम नहीं होंगे तो उनकी जो संतान यानी परिवार के जो सदस्य हैं यानी जो बच्चे हैं वो क्या है, वैसे ही बनेंगे। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे, अगर उनमें अच्छे संस्कार नहीं डाले जाएंगे तो क्या है, बच्चे क्या है, गलत रास्ते पर चल जाते हैं। तो ये क्या है, एक अपवाद भी है। जरूरी नहीं है कि परिवार में सभी अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे होंगे, उसमें क्या है, बच्चे क्या है, गलत रास्ते पर भी चल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार में क्या है, सभी में क्या है, अवगुण है, लेकिन कई बार क्या है, बच्चा होता है वो उसमें अच्छे गुण आ जाते हैं। जिस प्रकार इसका एक अच्छा उदाहरण है, जैसे रावण के परिवार में विभीषण क्या था, इनसे अलग था, और उसके जो गुण थे वो रावण के जो परिवार के थे उनसे सभी से भिन्न थे। तो ये क्या है, एक अपवाद भी हो सकता है। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा रचनात्मक प्रभाव के अंतर्गत क्या है कि माता जो होती है वो क्या है, बच्चे की प्रथम शिक्षिका कहलाती है। माँ जो होती है वो बच्चे की क्या है, प्रथम शिक्षिका कहलाती है, यानी अध्यापक। और जो परिवार है वो क्या है, पहला उसका विद्यालय होता है। जो उसका विद्यालय होता है वो क्या है, प्रथम उसका जो स्कूलिंग होती है वो किससे होती है, घर से ही उसकी स्कूलिंग होती है। और इस समय बालक जो कुछ भी सीखता है वह उसके संपूर्ण जीवन को क्या है, प्रभावित करता है। यानी अच्छे गुण सीखेगा तो अच्छा बनेगा, बुरे सीखेगा तो बुरे बनेगा बच्चा। तो अगली बात करते हैं हम, अगला है हमारा सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व,
निर्वाह करते हैं। निस्वार्थ भाव से परिवार में क्या है, वह कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। माता पिता क्या है, बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कठोर श्रम करते हैं। और क्या करते हैं, परिवार की व्यक्ति को त्याग, दान, सहयोग, करुणा, स्नेह, प्रेम, ये सारे गुण उसके उसको बच्चे को सिखाया जाता है। व्यक्ति इन गुणों को अपनाकर जीवन में क्या है, एक अच्छा इंसान बनता है। और क्या है, वे परस्पर एक दूसरे के साथ क्या है, सहयोग के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। और कोई भी संकट काल में क्या है, कोई भी विपत्ति आती है, तो वो सारे क्या है, इकट्ठे होकर उसका निवारण करते हैं, यानी उससे वो बाहर निकलते हैं। तो वर्तमान युग में व्यक्ति काफी संवेदनशील हो गया है। वह न केवल जीते जी अपने परिवार के बारे में सोचता है, आपने देखा होगा मृत्यु जीते जी वो क्या है, अपनी भविष्य निधि में से कुछ जो पैसा है वो अपने बच्चों के लिए विनियोग करके जाता है, यानी इन्वेस्ट करके जाता है, ताकि आने वाले समय में उसके जाने के बाद उसके बच्चों को कोई दुख या पीड़ा महसूस ना हो या पर कोई आपदा ना आए। अब बात करते हैं स्थाई और अस्थाई प्रकृति की। स्थाई और अस्थाई प्रकृति, जो परिवार की प्रकृति होती है वो क्या है, स्थाई भी हो सकती है और अस्थाई भी हो सकती है। मोस्टली क्या है, परिवार की प्रकृति क्या होती है, स्थाई होती है। विवाह के बाद क्या है, नव दंपति है एक परिवार के रूप में, एक संस्था के रूप में क्या है, अपना घर चलाते हैं, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही परिवार का नाम आता है और परिवार का नाम ही क्या है, चलता रहता है। इसके सदस्य क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। परिवार में एक शिशु का जन्म होता है और क्या है, दूसरे जो बुजुर्ग दंपति होते हैं वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, बुजुर्ग दंपति का स्थान क्या है, आने वाली पीढ़ी ले लेती है। इस प्रकार क्या है, दूसरों की पूर्ति क्या है, जो चले जाते हैं उनकी पूर्ति क्या है, आने वाली पीढ़ी करती रहती है। समिति के रूप में परिवार क्या है, अस्थाई है। पति पत्नी में किसी एक की अगर मृत्यु हो जाती है तो, या फिर डिवोर्स हो जाता है या अलग रहने लग जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या है, इसकी प्रकृति अस्थाई भी हो जाती है। अब बात करते हैं सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, जो हमारे परिवार की जो स्थिति है वो केंद्र में, यानी कैसी है। परिवार समाज की अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक इकाई है। इसमें क्या है, इस पर न केवल समाज का बल्कि संपूर्ण विश्व का क्या है, अस्तित्व टिका हुआ है। इसका क्या है, संपूर्ण विश्व का क्या है, अस्तित्व इस पर टिका हुआ है। यह समाज के स्वरूप को निर्धारित करने वाली सबसे सशक्त एवं प्रभावी संस्था है। यद्यपि समाज के व्यस्तम एवं भाग दौड़ वाली जिंदगी में परिवार के कई कार्य कल्याणकारी या समाज सेवी संस्थाओं ने ले लिया है। जैसे कि क्या है, आजकल क्या है, काफी सारे क्या है, बच्चों के पालन घर, यानी बच्चों को पालने के लिए क्या है, उनको उसमें पालन घरों में छोड़ दिया जाता है। और बुजुर्ग जो दंपति होते हैं उनको क्या है, बुढ़ापे में क्या है, वृद्धा आश्रम है, उनमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो परिवार में जो हमें सहानुभूति भावनात्मक संबंध से जिसमें हम जुड़े होते हैं वो हमें वहां पर नहीं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्या है, तभी तो क्या है, जो वृद्ध है उसकी एक आंख उस सड़क या गली के पास टिकी रहती है,
जहां से उसके परिजनों के आने की आहट आती है। रोता हुआ बालक क्या है, अपनी माता से निपटकर चुप हो जाता है। तो ये क्या है, समाज में उसकी क्या है कि अलग ही स्थिति है परिवार की। अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की। सामाजिक नियंत्रण, जिस परिवार में हम रहते हैं वहां पर क्या है, माता पिता क्या है, अपने जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं वो एक दूसरे को हस्तांतरित करते हुए चले जाते हैं। और जो हम परिवार में जहां हम रहते हैं तो वहां पर क्या है, कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। और परिवार में रहकर क्या है, हमें सभी को क्या है, नियमों और कानून को मानना पड़ता है। ये नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं उनमें हम बड़े जो होते हैं उनकी हमें बातें माननी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है, उनके विपरीत हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो परिवार के द्वारा बनाए हुए नियमों और कानून को तोड़ सके, हमें उनकी किसी भी कंडीशन में पालना करनी पड़ती है। अगर हम उसको नहीं पालना करेंगे तो क्या है, अगर नियमों को तोड़ देते हैं तो परिवार की बदनामी होती है और क्या है, जो लूटपाट, बलात्कार, चोरी, डकैती जैसे अपराधों पर अंकुश बहुत हद तक परिवार द्वारा ही लगाए जाते हैं। यानी अगर अच्छे संस्कार डालेंगे तो इस प्रकार की जो वारदातें हैं वो कम देखने को मिलेंगी। और इतना ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए भी क्या है, ये जो उनको सुरक्षित रखने का काम भी कौन करता है, परिवार द्वारा ही किए जाते हैं। आप किसी भी, आपने देखा होगा किसी भी देश में, किसी भी परिवार के अगर आप क्या है वहां की जो संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वो कहां से देखने को मिलती है, उस परिवार के माध्यम से ही हमें वहां के देश की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं हमारी, ये तो थी कि क्या थी, परिवार की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। अब इनके अलावा क्या है, कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है। ये तो क्या थी, मुख्य थी, इनके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। जैसे कि सबसे पहले है इसमें विवाह संबंध। कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि है विवाह संबंध। आपने देखा होगा जो विवाह की अनुमति है वो परिवार के द्वारा ही संभव होती है। परिवार ही क्या है, दो अलग अलग समाज से आए हुए व्यक्तियों को क्या है, आपस में मिलाता है और उनको क्या है, विवाह के बंधन में बांध देता है और वहीं से क्या है, उसके परिवार का निर्माण होता है। नव दंपति अपने शादी के बाद क्या है, गृहस्थ जीवन का आरंभ करता है और फिर उनके संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से क्या है, परिवार बनता चला जाता है। विवाह के माध्यम से एक स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में एक साथ रहकर क्या है, अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं और क्या है, विवाह ही क्या है, एक परिवार की आधारभूत आधारशिला है। विवाह में बंधन है जिसकी डोर में एक स्त्री व पुरुष बंधन में आपस में बंध जाते हैं तथा अपनी लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति भी क्या है, वो परिवार में रहकर ही करता है। अदरवाइज उसको अगर वो विवाह बंधन में नहीं बनता तो क्या है, समाज उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं करती है। अब बात आती है संतानोत्पत्ति एवं उनका लालन पालन। दूसरा है इसमें संतानोत्पत्ति, परिवार में रहकर ही क्या है, बच्चे का आगमन होता है और परिवार ही क्या है, उसका पालन पोषण करता है, उसे बड़े ही प्यार
प्रेम से, स्नेह से और उसे उसको बड़ा करता है। इसमें क्या है, संतान पैदा करके दंपति का कर्म एवं जो संतान पैदा करना है दंपति का कर्म यानी उसका कार्य और उसका धर्म माना जाता है। अगर उसके संतान नहीं होती है तो स्त्री को क्या है, बांझ की संज्ञा दी जाने लगती है और उसे अच्छा नहीं बताया जाता है। और क्या है इसमें, इसलिए प्रत्येक दंपति को क्या है, संतान उत्पन्न करना क्या है, आवश्यक हो जाता है। हाँ, दंपति के लिए केवल संतान उत्पन्न करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि क्या है, उनका अच्छे से पालन पोषण करना भी आवश्यक है। उसमें क्या है, अच्छे संस्कार डालने पड़ते हैं ताकि वो क्या है, एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। अब बात करते हैं, अगला है हमारा इसमें वंश नाम। आपने देखा होगा जो हमारा भारतीय समाज है, हमारे भारत में क्या है, मुख्यतः जो नाम है वो किसके नाम से चलता है, पिता के नाम से, यानी पितृ प्रधान देश है। इसमें कुछ जगह पर ऐसा है कि मातृ प्रधान भी है, वहां पर माताओं के नाम से उनको जाना जाता है, परंतु क्या है, मोस्टली क्या है, पितृ प्रधान है यानी पिता के नाम से बच्चे को यानी उसका वंश का नाम चलता रहता है। और क्या है, किसी भी जगह पर चले जाओ, किसी भी समाज में, संस्था में चले जाओ, वंश क्या है देखने को मिलता है और उसे वंश के नाम से ही पहचाना जाता है कि ये इस वंश से क्या है ताल्लुक रखता है। अब बात करते हैं, हमारा अगला है इसमें लैंगिक संबंध। जैसा कि बताया था कि जो लैंगिक संबंध है वो क्या है, परिवार में रहकर ही क्या है उनको जो स्वीकृति है वो परिवार में रहकर ही मिलती है। अगर हम बिना विवाह के लैंगिक संबंध बनाते हैं तो उसे स्वीकृति समाज के द्वारा क्या है, स्वीकृति प्रदान नहीं होती है। अब बात करते हैं सामान्य आवास व्यवस्था की, इसमें नेक्स्ट और लास्ट है सामान्य आवास व्यवस्था। सामान्य आवास व्यवस्था में क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, परिवार के अंतर्गत क्या है, पति पत्नी बच्चे चाचा चाची और क्या भतीजा भतीजी ये सभी परिवार के अंदर रहते हैं, ये सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई से बना हुआ खाना खाते हैं और वे परस्पर सहयोग प्रेम स्नेह त्याग से रहते हैं, उनमें ये भावना भरी रहती है। परंतु आज की बढ़ती आवास व्यवस्था समस्या, शिक्षा, महंगाई, नौकरी आदि के कारण क्या है, ये क्या है, इनका विघटन होने लगा है और क्या है, परिवार क्या है, संयुक्त से एकांकी होने लग गया है यानी उनकी जो संख्या है वो घटकर कम हो गई है। अब क्या है, माता पिता और उनकी क्या है संतान होती है वो परिवार के अंदर रहती है और कई बार क्या होता है कि जैसे बेटा है या बहू है वो बाहर कमाने के लिए रहते हैं, लेकिन क्या है कोई भी त्योहार व्रत पर्व या कोई भी ओकेजन होता है जैसे कि विवाह इत्यादि का, तो उसमें क्या है सभी सदस्य होते हैं परिवार के, वो एकत्रित होकर ये सारे त्योहार जो होती हैं, जो उत्सव होते हैं वो इकट्ठे मिलकर मनाते हैं और बड़े ही प्यार के साथ वो रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सारे क्या थे आज हमारे परिवार की मुख्य विशेषता।